नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तांत्रिक विद्या समाधान और पूजा विधि पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रचंड वशीकरण करना बताऊंगा जिसका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, यह विधि बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, लेकिन दोस्तों आप यह विधि तभी करें जब आपको इसकी आवश्यकता हो। मित्रों, बिना आवश्यकता के, बिना ज़रूरत के आप यह विधि कदापि ना करें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वशीकरण जैसी विधि हमेशा ही इंसान को कब करना चाहिए? जब आपको उसकी ज़रूरत हो, यानी दोस्तों आपकी शादी हो गई हो, या आप इतना प्यार अपने साथी को करते हों, या दोस्तों आप अपने जीवन साथी को अथाह प्यार करते हों, और दोस्तों इतना प्यार करने के बावजूद भी वह साथी आपसे काफ़ी दूर होता जाता है, यानी दोस्तों आपसे अच्छी बातें नहीं करता है और हमेशा ही आपसे पैरों की तरह व्यवहार करता है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस विधि को करके अपने जीवन साथी को अपने करीब ला सकते हैं। दोस्तों, कितने लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत विधि बताते हैं। दोस्तों, यह कहते हैं कि यह कार्य आप कर दो, दो मिनट में कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की आपके करीब आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसी विधि करने में सफल भी हो गए तो उसका नुकसान आपको बाद में जरूर ही भुगतना पड़ता है, इसलिए दोस्तों लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास बहुत से दोस्तों का कमेंट आया है कि आपको वशीकरण की एक अच्छी सी विधि बताइए। दोस्तों, हम आपको यह विधि बताने जा रहे हैं, आप इस विधि को करिए, लेकिन जो मैंने शर्तें बताई है, जो नियम बताया है, उसे आप जरूर ही देखें, उसे समझें और फिर करें। इस विधि को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, एक सफ़ेद कागज, ये बिल्कुल सादा कागज़ है, एक काले रंग का पेन या स्केच ले लीजिए, और थोड़ी सी रुई बाती बनाने के लिए, और मुख्य सामग्री दोस्तों यह तिल का तेल है और एक मिट्टी का दीपक। इतनी सी सामग्री आप ले लीजिए। अब दोस्तों, इस कार्य को चाहें तो आप किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं या किसी भी अमावस्या की रात्रि से कर सकते हैं, और दोस्तों यदि आप किसी भी होली या दिवाली में करें तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों आप इसे अमावस्या से भी कर सकते हैं या शनिवार से भी कर सकते हैं, आप किसी भी दिन कर लीजिए। यह बहुत ही प्रभावशाली कार्य है, का परिणाम बहुत ही जल्दी मिलता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं आपको एक यंत्र बता रहा हूँ, वही यंत्र आपको बनाना है इस काले पेन की सहायता से, इस स्केच की सहायता से, और बनाने के बाद में दोस्तों इस यंत्र को ये रुई के ऊपर लपेट देना है, और इस तिल के तेल में डाल करके आपको इसे जलाना है। यह कार्य आपको रात्रि में करना है, 9 बजे के बाद में। और दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह कार्य करते समय आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, क्योंकि दोस्तों यदि किसी ने आपको टोक दिया, रोक दिया, देख लिया, तो यह कार्य आपका खंडित हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यह यंत्र आपको बना के तैयार करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इस पर क्या क्या लिखा है। एक यंत्र यह है और दूसरा यंत्र यह है। यदि आपको यह भाषा नहीं आती है, ये शुद्ध हिंदी है, तो आप इसे अपने इंग्लिश में 1, 2, 3 में लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी प्रेमिका का नाम या प्रेमी का नाम लिखना है। देखिए दोस्तों, ऐसा तैयार करने के बाद में अब इसको किस प्रकार जलाना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। इसको दोस्तों ऐसे मोड़ करके एक बातीनुमा बना लीजिए। दोस्तों इस प्रकार आपको जलाना है, देखिए इस प्रकार से आपको तेल में डाल करके इसको जलाना है। दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसका मुख आपको अपनी प्रेमिका की दिशा में रखना है, यानी आपकी प्रेमिका जहाँ रहती है उसकी तरफ मुख करके, उसकी दिशा में मुख करके इसको दीपक को जो है आपको जलाना है, और 1 घंटा जो है आपको इसके सामने बैठना है। दोस्तों इसको पूरे तेल से आप भर लीजिएगा ताकि थोड़ा थोड़ा ये जलता रहे। दोस्तों जैसे ही 7 दिन पूरा होगा, आपका प्रेमी या आपका जीवन साथी
जो आपसे दूर जाता है वह आपके करीब आने लगेगा, आपसे अच्छी बातें करने लगेगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसकी दिशा जो है जहाँ आपका साथी रहता है उसकी तरफ होना चाहिए। दोस्तों यह बहुत ही प्रचंड वशीकरण है, इसे आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों बिना आवश्यकता के, बिना ज़रूरत के इस कार्य को आप कदापि ना करें। और दोस्तों यदि हमारी इस वीडियो से संबंधित या मुझसे संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।